इस संसार में कौन सुखी है, आज का हमारा विषय है। इस संसार में सुखी कौन है? ज्यादा धन वाला सुखी है, ज्यादा परिवार वाला सुखी है, जिसके पास ज्यादा गाड़ी है वो सुखी है? मैं तो कह रहा हूं कि सुखी कोई भी नहीं है। संतों ने एक पंक्ति गाई है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, तन यानी कि शरीर, शरीर में बीमारी है इस कारण से वो दुखी है। कोई मन से दुखी है, मन से क्यों दुखी है? वो चाहता है कि हम, बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, और जब जाता है जॉब के लिए नहीं लगती है, बहुत भजन करता है हम भगवान को प्राप्ति करें, फिर भी उसमें कुछ न कुछ ग्रह लग जाते हैं। तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कुछ संसार में ऐसे भी प्राणी हैं जिनके माता पिता परिवार बच्चे सब हैं, लेकिन एक टाइम का भोजन करते हैं तो दूसरे टाइम के लिए उनको सोचना पड़ता है कि दूसरे टाइम का भोजन कैसे होगा, बहुत प्रयास करना पड़ता है। हो सकता है कभी कभी दूसरे टाइम का भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो व्यक्ति अपना सर्वस्व निछावर करके और भगवान श्री हरि के चरणों में जब अपने मन को समर्पित कर देता है कि जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो हो गया वो भी अच्छा ही होगा, सब प्रकार से जब भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो फिर उसे कोई टेंशन कोई चिंता नहीं होती है। फिर वो अपने मन को सुखी अनुभव करता है। जैसे मेहनत करने वाले लोग हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, और शाम को मेहनत करने के बाद वो रोड के किनारे कहीं सो जाते हैं, उनको चैन की नींद आती है। लेकिन जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनको इतने मोटे मोटे गद्दे मिले हैं सोने के लिए, लेकिन जब जाते हैं सोने तो बेड पे उनको नींद नहीं आती है, बस करवट बदलते हैं, इधर से इधर इधर से इधर करवट बदलते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है, फिर लास्ट में उनको दवा खा करके सोना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े संत महात्माओं की सुनी हुई वाणी और बड़े बड़े जो धनी मनी लोग हैं उनके अनुभव की बताई हुई वाणी में बता रहा हूं कि वो भी सुखी नहीं है। लेकिन जब अपने आप को आप सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में नछावर कर देंगे तो समझिए कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी। और जब कोई टेंशन चिंता नहीं होगी, आप भगवान का नाम लेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार से भगवान का नाम लेंगे और आप मस्ती में आनंद करेंगे। अब क्वेश्चन एक और बनता है, कुछ लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया कि गुरुजी वो लोग तो बड़े सुखी होते हैं। कौन? जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो तो बढ़िया अपना मौज मानते हैं, उनको किसी चीज की कोई दुख नहीं है।
लेकिन अगर जो सच्चा प्रेमी होगा, आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, अगर जो सच्चा प्रेमी होगा तो जैसे सत्य कड़वा होता है, कठोर होता है, उसी प्रकार से प्रेम भी बहुत ही कड़वा होता है और कठोर होता है। आज के डेट में जो बहुत घटनाएं घटती हैं, क्योंकि इसमें प्रेम सच्चा नहीं है। अगर जब सच्चा प्रेम होगा तो ऐसी घटना नहीं घटेगी। कैसे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा शास्त्र कह रहा है। मार्ग प्रेम को कोसा मुझे, ये गोपिकाएं कह रही हैं आपस में। गोपी को आप लोग जानते होंगे, ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। आज ये वृंदावन धाम से मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। वृंदावन धाम प्रेम की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म अवतार लिए प्रेम के प्रकाष्ठा को श्रेष्ठ करने के लिए। किशोरी जी, राधा रानी प्रेम की अधिष्ठात्री हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रेम की प्रकाष्ठा को ऊंचा करने के लिए, ब्रज की जो गोपिकाएं हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से, एक नहीं हजारों हजारों लाखों लाखों गोपिकाओं ने प्रेम कैसे करना चाहिए। आप श्रीमद् भागवत की अगर कथा सुनते हैं और जब उसमें गोपी गीत का जब वर्णन आता है तो गोपी गीत को आप सुनिएगा कि उस गोपी गीत में भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते समय कितना गोपिकाओं की परीक्षा लिए हैं और गोपिकाएं कितना उनके प्रेम में रोई हैं। जो गोपी गीत है, गोपी गीत में केवल गोपियों ने, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिकाओं ने केवल अपने मन की बात को रो रो करके कहा है। तो उसी चीज को मैं आपको एक पंक्ति के माध्यम से श्रवण करा रहा हूँ। मार्ग प्रेम को कोस मुझे, हरिचंद यथारत होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। एक प्रेमिका यानी कि एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है, सखी कितना कठोर प्रेम है, उस कन्हैया को पाने के लिए, उस कन्हैया की एक झलक देखने के लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। हम लोग अपनी दही दूध बेचने के लिए भी हम उसी कान्हा की गली में चलते हैं। चलो सखी तहां जाइयो, जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। सखी आपस में बात कर रही हैं कि सखी अगर हमको दही भी बेचना है तो उस मार्ग में चलो जिस मार्ग में कान्हा का घर पड़ता है। तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमारी दही भी बिक जाएगी और एक झलक अपने हम प्रियतम का दर्शन मिल जाएगा, अपने प्रेमी का एक झलक दर्शन मिलेगा। ये होता है सच्चा प्रेम। अपने प्रेमी का, अपने प्रेमिका का दर्शन पाने के लिए गोपिकाओं ने ऐसा सिस्टम लागू किया कि चलो हम दही बेचेंगे उसी गली में जा करके। इतना नहीं, अभी जो मैंने पंक्ति बताया उसका भावार्थ ये है कि एक सखी दूसरे सखी से क्या कह रही है कि कन्हैया कितने कठोर हैं। बचपन में जब वो थोड़ा छोटे थे तो हम लोग तो दही बेचने के बहाने भी जा करके एक झलक पा लेती थी, लेकिन आज तो कन्हैया यहाँ से छोड़ करके और द्वारिका को चले गए। अब हम किसका दर्शन करें?
हमारे अंदर की जो वेदना है, अंदर की जो पीड़ा है, हमने अपने कन्हैया को दर्शन करने के लिए, कन्हैया को पाने के लिए क्या नहीं किया। जब वो थे तो कितना हम लोग को देख देख करके आनंद आता था, लेकिन आज हम लोग को छोड़ करके और कन्हैया यहाँ से द्वारिका को चले गए, आज हमारे अंदर ये शरीर में अग्नि की पीड़ा ऐसे प्रज्वलित हो रही है, लग रहा है कि शरीर जल जाएगा, शरीर फट जाएगा। लेकिन अपनी व्यथा को, अपने दर्द को हम किसको बताएं, अपनी प्रेम को हम किसको बताएं, क्योंकि मार्ग प्रेम को समझे, इस प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है? जो सच्चा प्रेमी होगा वही समझ पाएगा इस प्रेम के मार्ग को। मार्ग प्रेम को समझे, हरिचंद यथारत होत यथा है, अलाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। सखी, अगर हम अपने इस दर्द को किसी और से कहें तो वो लोग हंसेंगे, क्यों रे और कर ले प्रेम, देख तेरा प्रेमी तेरे को छोड़ के चला गया। तो ये प्रेम जो है ना, जैसे सत्य कटु सत्य होता है, उसी प्रकार से ये प्रेम भी अटूट कटु सत्य है। प्रेम को निभाना एक सत्य धर्म को निभाने से भी कहीं बढ़ के है। ये गोपिका अपने मन की बात को कह रही हैं। जैसे अगर वो अपनी इस दिल के दर्द को किसी और को सुनाएं तो उनकी बदनामी होगी, उसी प्रकार से इस संसार में, इस समाज में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, आ थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हर व्यक्ति दुखी है, बड़े बड़े धनी धनी लोग दुखी हैं, लेकिन अगर अपने मन की बात को किसी से कहें तो बदनामी के अलावा उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति दुखी है। अगर सुखी कौन है तो सुखी भगवान राम के, भगवान कृष्ण के वो दास ही हैं, जो कि अपना सब कुछ जो हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस प्रकार का अगर भाव अगर आपके दिमाग में हो गया कि जो भी हो रहा है कन्हैया तुम्हारे द्वारा हो रहा है, तुम्हारी इच्छा से हो रहा है, फिर तो हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, आ जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साह। तो आज का हमारा ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।